गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग दो के पाठ दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह और शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ एक कहानी लिखी है और इस कहानी पे वे अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हम सब के दादा दादी नाना नानी होते हैं और हम अपने दादा दादी और नाना नानी से कितने करीब से जुड़े होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है या मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ना? बहुत ही अनोखा और भावुक रिश्ता होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है अपने दादा दादी और नाना नानी से। एक बैग अगर आपके मम्मी पापा भी डांट दे या कोई और डांट दे, लेकिन दादा दादी या नाना नानी के पास आपको भरपूर प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है ना? तो देखें आज शिव प्रसाद सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं इस कहानी में। वो बताते हैं कि कमजोरी ही है पर सच है। क्या सच है? कि जरा सी कठिनाई आने पर वो विचलित हो जाते थे। क्या हो जाते थे? विचलित हो जाते थे। और उनके जो दोस्त थे गांव में, उनके बहुत सारे दोस्त थे, अब वो बड़े हो गए हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं और बसे हुए हैं, तो उनके दोस्त टाइम टू टाइम समय समय पर उन्हें चिट्ठियां लिखा करते थे और चिट्ठियां लिखने के बाद उन्हें पूरे गांव के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में सब कुछ बताया करते थे, है ना? तो इससे जो लेखक थे उन्हें पता चलता रहता था कि मेरे गांव में क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन वो ये भी स्वीकार करते थे कि मैं जरा जरा सी बातों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल यानी कि कोई अच्छी स्थिति ना हो, अपने अनुरूप ना हो, अपने अनुकूल ना हो, विषम परिस्थिति हो, तो मैं हड़बड़ा जाता था, बेचैन हो जाता था, तो मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। उनका कहना है कि आज भी मेरे सामने वो सारा चरित्र सामने उमड़ के आ जाता है। जब मैं अपने गांव में जब रहता था तो सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासे, यानी कि बरसात के सीजन में आपने देखा है बाढ़ का जो पानी आता है, नदी का जो पानी वो तेज हो जाता है और उसकी हिलोर यानी लहरें भी बहुत तेज हो जाती है, उसकी वेग, उसकी गति तेज हो जाती है, होती है ना? तो उनमें जो साग भाजी जो ऐसे मतलब चारा जैसा जो आता था बह बह के, वो मुझे अभी भी अच्छे से याद है। इसके अलावा गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़ कर एक विचित्र गंध आती थी। आपको पता है बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में जो जब धूप निकलती है और मौसम गर्म हो जाता है तो अजीब सी उमस की गर्मी होती है, उसमें हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो जो सड़न वाला जो गंध आता था, यानी कि जो घास बह के आती थी वो जब सड़ती थी पानी में तो उसकी जो गंध थी बहुत तेज होती थी। और उनका कहना था कि हम झाग भरे जलाशयों, जलाशय माने तालाब या सरोवर, तो जब उसमें बहुत ज्यादा लोग नहाए, है ना, तो उसमें झाग भर जाता है। क्या हो जाता है? झाग, बुलबुले से हो जाते हैं। तो वो झाग भरे जल में नहाना हमें सबसे प्रिय होता था। और क्या बोलते थे कि वो इतना प्रिय था हमें कि अषाढ़ में आम और जामुन, अषाढ़ यानी कि अभी जो मई जून का महीना आपने देखा है ना, इसमें आपको आम मिला, जामुन मिल रहा है, तो ये भी अषाढ़ का महीना चल रहा है ना, तो इस समय हमें आम और जामुन ना मिले, ठीक है, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, अगहन यानी अक्टूबर का महीना, काहे का महीना? अक्टूबर, उस समय हमें चूड़ा और गुड़ ना मिले अक्टूबर नवंबर के महीने में, कोई दिक्कत नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले, चैत यानी कि रामनवमी का टाइम, कौन सा टाइम? रामनवमी का टाइम, यानी कि जो अप्रैल का टाइम आता है वो है आपका चैत का, उस समय लाई के साथ गुड़ ना मिले कोई दिक्कत नहीं, है ना, कुआर के दिनों में। लेकिन जो कार्तिक का महीना होता है, कुआर यानी जिस समय दुर्गा पूजा होता है, अक्टूबर का टाइम, तो उनका कहना था हमें मतलब गर्मी के समय
आम जामुन ना मिले, ठंड के समय हमें चूड़ा और गुड़ ना मिले, गर्मी के समय हमें लाई के साथ गुड़ ना मिले, लाई और गुड़ ना मिले, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरी था कि हम गंधपूर्ण यानी गंध भरे यानी जो झाग का जो पानी था ना, झाग से भरा हुआ वो जलाशय जो था उसमें डुबकी लगाना हमें जरूरी था। अगर वो नहीं होता था तो सारा चीज हमारा अधूरा रह जाता था। हम गांव आते थे इसीलिए कि हमें उसमें कूद कर नहाना है और गांव के सारे लोग नहाते थे। तो कहा लेखक क्या कहते हैं, कहते हैं कि उस समय जब मैं नहाता था तो मुझे हल्की हल्की बुखार भी हो जाया करती, लेकिन वो बुखार मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि जो बुखार में उनकी दादी थी उनकी बहुत सेवा करती थी, सिर पर दालचीनी का लेप लगाती थी, उनके हाथ पांव दबाती थी, उनके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाती थी, किस्म किस्म की दवाइयाँ देती थी। तो ये जो केयर होता था उनमें प्यार ममता और केयर जो ध्यान जो रख रखाव था वो लेखक को बहुत ज़्यादा मिलता था। तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मिस करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें याद करते थे। पर अब क्या बोलते हैं कि झाग, एक बार मैं बीमार पड़ा और झाग से भरे हुए उस गंधपूर्ण झाग पर जल में दादी नहा के आई, और कैसे आई कि गीले कपड़ों में, और उनके सर से सद टपके जल की शीतलता, सिरों पर से सद, सद यानी सद 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 मतलब ताजा, सद मतलब ताजा, उनके सिरों से ताजा पानी टपक रहा था, है ना। और उन्होंने कपड़े नहीं बदले और ऐसी पंखा झिला रही थी, मुझे दवाई लगा रही थी, मेरे हाथ पांव दबा रही थी, और उस प्रकार से पीपल की छाल से छौंका की नहीं, खिचड़ी में मूंग डला की नहीं, ये सारी चीज बार बार दादी माँ पूछ रही थी। और मेरा बुखार जो था इस बार इतना तेज हो गया था कि जैसे उतर ही नहीं रहा था, लेकिन दादी के रख रखाव से मेरा बुखार उतर गया। इसके अलावा दादी माँ को 500 किस्म की दवाइयों के नाम याद रहते थे, एक से एक दवाइयों के नाम याद रहते थे। और जब सारे घर में वो ढूंढते रहती थी, घूमते रहती थी, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था घर में पड़ी हुई चीजें। अगर गुड़ मिश्री या शहद खत्म हो जाती थी तो दादी माँ का तेवर सातवें आसमान पर रहता था, उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आता था कि ये चीजें क्यों खत्म हो गई। इसके अलावा उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम सरसाम निमोनिया, सरसाम यानी सिर पर चढ़ने वाला बुखार, है ना, निमोनिया और महामारी और विसूचिका, विसूचिका यानी हैजा इत्यादि, ये सब जो बीमारियां थी इन सब बीमारियों के बारे में उन्हें अच्छा खासा पता था और उनके दवाइयों के बारे में भी वो जानती थी। इसके अलावा जब भी बुखार आता, अब जब दादी मेरे पास नहीं है, है ना, तो वो जो बुखार था जो कुनेन की दवा, कुनेन मतलब मलेरिया की दवा, कुनेन एक वृक्ष होता है जिसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसे कुनेन बोला जाता है। तो उस समय जो बुखार आता था हमें तो उसका तीखापन इतना होता था कि उसके तीखेपन से ही बुखार डर के मारे भाग जाता था। पर आज लेखक का कहना है कि आज मैं इस प्रकार से पीड़ित हूं, आज मुझे बुखार है, डॉक्टर आके मेरी नब्ज देख लेता है, जो महाराज है मुझे साबूदाना खिचड़ी बनाकर खिला देता है, गर्म पानी दे देता है, लेकिन अब वो बुखार भुलाने का मेरा मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दादी माँ मेरे पास नहीं है। इसके अलावा वो बताते हैं दादी माँ को याद करते हुए कि जब किशन भैया की शादी थी, पूरे गांव के लोग वहां पे आए हुए थे, तो दादी एक मिनट भी नहीं रुकती थी, पूरे घर में वो चारों साइड घूमते रहती थी, और सबको पता था दादी करती कुछ नहीं थी, उनका काम क्या था, सिर्फ बोलने का। आपको पता है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कुछ काम करते नहीं, लेकिन बोलने का काम वो जरूर करते हैं, और उनके बोलने से ही घर कैसा होता है, भरा भरा रहता है ना। और अगर वो शांत हो जाए तो घर कैसा रहेगा, सूना हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उन्हें पता था किशन भैया की शादी में बहुत जोर शोर से
दादी तैयारी कर रही थी, पूरे गांव भर के लोग आए हुए थे और पड़ोस में आती थी, उन्हें बुलाती थी, काफी देर के बाद वो आती थी और दादी क्या बोलती थी कि अरे बहन माफ करना, पूरे घर में काम फैला हुआ है, मुझे बहुत काम है, अगर मैं एक काम ना करूं तो कोई घर का काम ही ना। इस प्रकार से इसके अलावा एक बार की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, लेखक बताते हैं कि धन्नो चाची यानी रानी की चाची आई हुई थी और वो बाहर खड़े हाथ जोड़कर रो रही थी। क्यों रो रही थी? दादी माँ उसे जोर जोर से डांट रही थी। क्यों? क्योंकि अरे तूने तो पैसे ले लिए और अभी तक तूने उस पैसे का ब्याज भी वापस नहीं किया, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। तो वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी, बोली दादी बेटी की शादी है, अगर आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। और इस तरीके से वो वहां से चली गई। कुछ दिन के बाद मैं रास्ते में जा रहा था और जैसे ही मैंने उस धन्नो चाची को देखा तो मुझे देखते ही जोर जोर से बोलने लगी, अरे बेटा तेरी दादी जीती रहे, वो तो देवता है, बहुत बड़ी लंबी उम्र हो, धर्मात्मा है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, बोले अरे अब ऐसा क्या हुआ, उसे तो बहुत गालियां दे रही थी दादी। तो क्या बोली कि अरे वो तो बड़े लोग हैं, वो कल ही मेरे घर आई थी, सारे पिछला पैसा माफ कर दिया और 10 रुपए का नोट देकर बोली कि ये ले धन्नो तेरी बेटी की शादी है, कहीं 5-10 रुपए के लिए ऊंच नीच ना हो जाए। और इस प्रकार से मेरी बेटी की शादी हुई और मैं अपनी दादी, जो आपकी दादी है, भगवान उन्हें सदा खुश रखे, वो देवता है, देवता। इस प्रकार कहते हुए बेचारी वो आगे चली गई और मैं भी सोचा कि क्या बात है दादी का। और ऐसा सोचते सोचते हुए मैंने देखा कि काफी टाइम हो गया, वो क्या सोच रहे हैं, अपनी दादी के बारे में सोच रहे हैं ना। तो उन्हें एक बार और याद आया कि एक बार किशन जब भैया की शादी थी और दलान में इतने सारे लोग थे और मुझे बुखार जैसा था, मैं बारात में नहीं गया, तो मैं वहीं आंगन में, दलान यानी आंगन में मैं वहीं पे सो गया। तो मैंने देखा, आप भी जानते होंगे कि हमारे गांव घरों में प्रचलन है कि जब बारात चली जाती है तो जो औरतें होती हैं उस शादी को, शादी से लेकर आगे तक का, जब तक कि बच्चे वगैरह नहीं हो जाते तब तक का एक ड्रामा प्ले करते, एक नाटक करते हैं और वो ज्यादातर औरतें करती हैं, एक खेल खेलती हैं। वो आज भी हमारे गांव घर में होते होंगे कुछ घरों में, तो उन्हें अच्छे से याद है लेखक को। तो बोलते हैं कि वो सारी जो ड्रामा जो प्ले कर रही थी, नाटक कर रही थी, वो सारी औरतें कर रही थी और मैं चारपाई पे चुपचाप सोया हुआ था। औरतें देखकर बोली इस लड़के को भगा दो, तो दादी ने बोला अरे ये लड़का ही भगवान का रूप है, इसको मत छेड़ो। और हमने चुपचाप दबे पांव वहां से, मतलब हम भागे तो नहीं लेकिन हम उस चीज को देख रहे थे, लेकिन हमारी चोरी पकड़ी गई क्योंकि उस एक्ट में, उस नाटक में केवल औरतें होती हैं, जेंट्स नहीं। और उनके हंसने से, चिल्लाने से वो पकड़े गए और उन्हें बाहर निकाला गया। ये सब सोचते हुए वो ध्यान दे ही रहे थे कि अचानक उन्हें ये भी बात याद आई कि एक बार मुझे अच्छे से याद है कि अगर हम कुछ भी गलती करते थे तो हम अपनी दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते थे और दादी माँ के पास खड़े होने यानी हमें अभय दान मिलता था, जीवन दान मिलता था, हम बच जाते थे, हमें कोई डर नहीं होता था। इस प्रकार जब लेखक के पिताजी ने, जब उनके दादाजी खत्म हुए तो पिताजी ने उनकी मृत्यु पे पता नहीं कितने सारे पैसे व्यय कर दिए, बर्बाद कर दिए और घर में आर्थिक तंगी हो गई, पैसे की कमी हो गई। अब जो भी लेन देन था, जो भी कर्ज था, उसे कैसे निकला जाए। दादी बिचारी सोच रही थी और उठी और संदूक से अपने सोने की चूड़ियां निकाल कर मुझे आज भी याद है, लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि वो सोने की चूड़ियां देते हुए मेरे पिताजी से कह रही थी कि बेटा चिंता मत करो, ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी, ये उनके वंश की निशानी है, मैंने इसे पहना तो नहीं लेकिन इसे संभाल कर रखा हुआ था आज के लिए, ताकि आज जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है उससे हम बाहर निकल सकें। और दादी फिर चुपचाप उस संदूक के पास दिया जलाकर भीगे हुए कपड़ों पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना जैसी कर रही थी। मैंने उस समय पहली बार देखा कि दादी माँ के आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत ध्यान से देखा और लेखक ने कहा कि दादी आप रोती क्यों हैं?
मगर दादी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और बोले कि चल तू खाना नहीं खाया। और दादी ने उस लेखक को उठाया, अपने पोते को उठाया और सीधे किचन में चली गई, रसोई में चली गई। लेखक ने कहा कि आपने तो कपड़े भी नहीं बदले हैं दादी। तो बोली बेटा मुझे किसी भी प्रकार की सर्दी और गर्मी नहीं। ये सारी बातें मुझे याद आ ही रही थी कि अचानक मैंने देखा कि जो पास में जो बड़ा सा खजूर का पेड़ था उसमें एक काला सा कौवा बैठा हुआ था और अपनी घिनौनी आवाज निकाल रहा था, काँव काँव कर रहा था, जिससे मेरा ध्यान एकदम चला गया। और क्या था, मेरे हाथ में एक पत्र था। क्या था, मेरे हाथ में एक पत्र था जो पत्र भैया का था। और आज भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ नहीं रही। किशन प्रिया ने काहे का संदेश दिया था कि दादी माँ अब नहीं रही। और वो हाथ में मेरे अभी भी कांप रहा था और जैसे सब कुछ धूमिल सा होता जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी दादी को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। तो बच्चों आपने देखा कि जो दादी होती हैं वो कितनी प्रिय होती हैं, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, अपने नाती पोती का कितना ख्याल रखती हैं। बुखार चढ़ने पर, भूख लगने पर, गलतियां होने पर, सब कुछ में दादी का साथ हमेशा रहता है। तो आज दादी नहीं रही ये समाचार सुनकर उन्हें, लेखक को बहुत दुख हुआ। अब वो अपने इस कहानी पर अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, सुनेंगे और जो वर्ड मीनिंग मैंने बताया है आप उसे भी नोट करते जाएंगे। थैंक यू।